और देखिए जन्माष्टमी की रौनक पूरे देश में मच गई है। एक एक तस्वीर गुड न्यूज टुडे के माध्यम से सुबह से हम आप तक लगातार पहुंचाते जा रहे हैं। हमारे तमाम मेहमानों का रुख करना चाहूंगी, सबसे पहले जेपी सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। जेपी जी माफ कीजिए, थोड़ा सा वक्त का तकाजा है, लेकिन एक उपाय और एक महा उपाय अगर मैं आपसे जानना चाहूं, तमाम दर्शकगण अगर आपसे जानना चाहें कि जन्माष्टमी पर हम कर सकें और लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सके, तो वो क्या होगा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस दिन क्या कर सकते हैं। सबसे संक्षिप्त में कहूं तो अगर आपने अब तक अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं स्थापित किए तो आज के दिन स्थापित कर सकते हैं, उन्हें माखन मिश्री का भोग दे सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि अगर धन की आप यहाँ कमी है या कह लीजिए संतान नहीं हो रही या किसी तरह की भी व्यापार में बाधा है तो माखन मिश्री का भोग दें, साथ में तुलसा अर्पित करें और तुलसी के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं, ये सबसे उत्तम उपाय है। और जिनका विवाह नहीं हो रहा वह लाल चुनरी तुलसी माता को अर्पित करके तीन परिक्रमा उनकी लें, ये सबसे उत्तम उपाय है इस दिन के लिए। और आचार्य जी, आज के दिन दान का भी बेहद बड़ा महत्व माना जाता है, बताइए आज के दिन अगर किसी को दान करना है तो क्या दान करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान कृष्ण को मक्खन पसंद है। अब यहाँ पर कृष्ण भक्ति के लिए सबसे उत्तम चीज है कि पीली वस्त्रों का दान करें, और अगर गाय का घी आप मंदिर में जाके अर्पित कर दें प्रभु के शरण में तो बहुत उत्तम होगा। सबसे आसान उपाय है कि आप मार्केट से लें और जाके अर्पित कर दें। ऐसा तो चाहिए कि इस शॉर्ट टाइम में मैं आपको कहूं कि आप ये उपाय करिए, तो आप गाय का घी का पैकेट लीजिए और मंदिर में जाके रात्रि के समय अर्पित कर दीजिए, ये सबसे उत्तम होगा। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।